आज मैं आपको डोसे की रेसिपी दूंगी। हम डोसे के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला कटोरी, 2 कटोरी चावल, आधा कटोरी उड़द की दाल और उससे भी कम चौथा हिस्सा चने की दाल और इतना मेथी का दाना, चम्मच से आप 1 चम्मच से भी कम ले सकते हैं, 1 चम्मच से कम मेथी का दाना मैंने सुबह मॉर्निंग में भिजोया, उसको रात को पीस लिया और फर्मेंट होने के लिए रख दिया। अब डोसे की रेसिपी के लिए हम सबसे पहले आलू को बॉईल करेंगे। इसके लिए बाकी ये आलू इतने बॉईल होंगे, हम प्याज को, हरी मिर्च को और लहसुन को, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को कट कर लेंगे। तो अब हमारा 1 ओनियन, बड़ा ओनियन है, 4 हरी मिर्च है और लहसुन है, उनको हम चॉप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चॉपर। आप देख सकते हैं मैंने ओनियन को चॉप कर लिया है। अब आलू के बॉईल होने का वेट है ही, तो जब तक आलू बॉईल होते हैं तो हम डोसे के लिए ग्रीन चटनी को बना लेते हैं। बच्चे तो सॉस के साथ खाएंगे पर हम ग्रीन चटनी को बना लेते हैं। मैं और सिद्धार्थ के पापा चटनी के साथ खाएंगे तो इसलिए हरी चटनी बना लेंगे। पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा अदरक। मैंने 4 हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, जीरा, लहसुन, नमक पहले ही इसमें रख लिया है और हरा धनिया जो मैंने वॉश किया था उसको मैं अब कट करके इसमें डालूंगी। आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ दही डालना पसंद करती हूँ। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप अपने अनुसार हरी मिर्च 2-3 जितना आप चाहे ले सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार। अब हम आप देख सकते हैं मैंने चटनी को बना लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का हम राई, मेथी दाने और कड़ी पत्ते से भी लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है तो हम राई से और मेथी के दाने से लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तड़के के लिए हम थोड़ा सा घी, गर्म होने के बाद अब इसमें हम राई और मेथी के दाने डालेंगे। आप चाहे तो डाइजेशन के लिए हींग भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसको चटनी में डालेंगे। चटनी में डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाकर ढककर रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, तो अब हम इनको छीलकर छिलकों को एक तरफ कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आलू छीलकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके लिए डोसे की फिलिंग तैयार करेंगे, जो डोसे के अंदर फिलिंग की जाती है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रख दी है, तेल डालकर गर्म होने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें राई, जीरा, अब जब तक ये चटकेंगे
आप हींग भी डाल सकते हैं। दे जैसे कि आप देख रहे हैं या हींग और राई चटक चुकी है, तो अब हम प्याज हरी मिर्च लहसुन जो कि हमने कट करके रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। आप चाहें तो छौंक के दौरान कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें हरा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, नमक स्वादानुसार। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। मसालों को थोड़ा देर भुनने के बाद हम आलू को मैश करके डाल देंगे। जो हमने आलू बॉईल किए थे तब तक मसाले अच्छी तरह भुनते हैं, तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। यहाँ हम आलू को मैश कर रहे हैं ताकि कोई गांठ ना रह जाए, जिससे बच्चे खाने में कभी कभी हिचक करते हैं। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। अभी हम इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारे आलू तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें हरा धनिया जो कि मैंने वॉश की पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है उसको हम इसमें कट करके डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैटर फर्मेंट हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। मैंने इसको पीसने के बाद फर्मेंट होने से पहले रात में इसमें मीठा सोडा थोड़ा सा और नमक मिला के रख दिया था, जिससे कि ये अच्छा फर्मेंट हो जाए। आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग बाद में इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जैसा। हमने गैस ऑन करके डोसे तवे को रख दिया। अब हम तवे का गर्म होने का वेट करेंगे। अब हम डोसे के बैटर को सेंटर में डालकर उसको चम्मच के नीचे वाले पार्ट की सहायता से इस तरीके से फैलाएंगे। इसको फैलाने के बाद आपको कुछ बूंद आप या चाहे तो घी भी डाल सकते हो। अगर घी नहीं तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल की बूंदें इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम जो हमने आलू की फिलिंग डोसे के लिए तैयार की थी उसको सेंटर में फैला देंगे। अब हम इसको फोल्ड कर सर्व कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डोसा तैयार है। हमने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी और सॉस के साथ। तो हमारा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी।